गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल बब्जिला आईसीओ। गाइस जैसे कि आप सभी को भी पता है कि मेरी एग्जाम्स चल रही है और अभी आज मेरी पहली एग्जाम हो गई वैल्यूएट की, अच्छी थी। और फिर कल है ज्योग्राफी की, तो फिर मैंने ज्योग्राफी की पढ़ाई करने को लिया। 8 बजे की एग्ज़ाम और मैंने आज नाश्ते में नीचा खाया और नीचे की चटनी, मुझे नाश्ता बहुत पसंद आया। और हमारा एक पार्सल भी आया हुआ है जिसे अब हम अनबॉक्सिंग करेंगे। तो गाइस अभी हमने हमारे स्टैंड को कम्प्लीटली अनबॉक्स कर लिया और भैया भी फ़िलहाल उसका सारा मैकेनिज्म समझ रहा है। तो वो तकरीबन इतना लंबा है, एक्चुअली इतना लंबा किया है, वरना फिर वो अब ओके तो भैया को वो समझ आ गया कि अब इसे कैसे ऊपर नीचे वगैरह करते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमने इसे बड़ा किया, इसलिए ये इतना बड़ा है, वरना फिर वो इस छोटे से टेंट बैग में भी बैठ जाता है। दाल फ्राई और चावल है और साथ में मैंने पापड़ लिया हुआ है। तो अब मैं मेरा लंच एंजॉय करूंगी, आप भी अपना लंच कीजिए। कल एग्ज़ाम है और ये अभी तक सो रही है और मुझे बोल रही थी कि नहीं मेरा ये हुआ नहीं है, ये वाला ज्योग्राफी मुझे टफ लगता है ये सब्जेक्ट, और अब ये खुद सो रही है। सो खूब मारना रे पप्पन समोर, सो उठ जाओ प्लीज। मैंने सिर्फ बोला था एक 5-10 मिनट के लिए आराम, मतलब थोड़ा देर ऐसा रेस्ट लेना, सिर्फ 5-10 मिनट के लिए। तो अभी हो गए 20 मिनट, ओके गए। अभी खाने के बाद मेरी आधी पढ़ाई कंप्लीट हो गई और अभी आधी बाकी है। तो अब इवनिंग स्नैक्स का टाइम, क्योंकि अभी 5:30 है ऑलमोस्ट। तो आज के इवनिंग स्नैक्स में मम्मी ने डोसा था, उसके अंदर मम्मी ने क्रीम चीज़ और सेजवान चटनी भरी है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो अब मैं पहले इसे खाऊँगी और फिर बाद में मेरी बच्ची की पढ़ाई भी करूँगी, और बाजू में मम्मी भी चाय पी रही है और भैया कैमरामैन बना है। सो नाश्ते में क्या है हमारे? डोसा, पिज्जा डोसा, क्या कुछ वैसे ही समझ लो। अच्छा ठीक है, और साथ में कौन है? नोबिटा। गाइस अभी एट लास्ट मेरी सारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है और मेरे आज के इस व्लॉग में कुछ तो स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के मेरे इस व्लॉग में मैं करने वाली हूँ कुकिंग अपने लिए। और जैसे ही मेरा नाश्ता वगैरह हो गया, पढ़ाई भी हो गई, तो फिर मम्मी ने मुझसे पूछा करके कि आज खाने में क्या खाओगी करके। तो मैंने मम्मी से कहा जो होगा वो खा लूँगी। तो मम्मी ने बताया कि बीन्स की सब्ज़ी बनी, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। एक एंड में करेले की सब्ज़ी खा लूँगी पर बीन्स की नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद वो। तो फिर मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं जीरा आलू बनाऊंगी, वो भी अपने आप बिना मम्मी की हेल्प से, क्योंकि अभी मम्मी भैया पापा कोई भी घर पे नहीं है। पापा ऑलरेडी बाहर गए काम से, मम्मी वॉकिंग गई और भैया गया खेलने। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे सीधा जाते हैं किचन में, कुकिंग करते हैं और जीरा आलू बनाते हैं मेरे आज के खाने के लिए। तो मुझे जल्दी करनी होगी क्योंकि जैसे जब तक मम्मी आती है तब तक मुझे कंप्लीट करना है मेरा खाना बना के, क्योंकि फिर आके मम्मी को भी खाना बनाना है। हमारे जीरा आलू को बनाने के लिए सबसे पहले अब मैं जाके आलू लेके आती हूँ। आलू मम्मी ने ऑलरेडी बॉईल करके रखे हुए हैं और छील के भी रखे हैं, तो अब बस मुझे उन्हें कट करना है। मैं बस अभी लेके आती हूँ। सो गाइस इधर रहे अब मेरे आलू। तो अभी इन आलू को मैं अच्छे से चॉप कर लूँगी कम्प्लीटली और फिर आपको दिखाती हूँ।
अभी एक आलू तो काट के हो गया, तो अभी दूसरा आलू भी कट कर दूंगी मैं। तो गाइस अभी मैंने अपने आलू को चॉप कर लिया है, तो बस कुछ कुछ पीसेस काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, तो मैं बस अभी उन्हें छोटा कर लूँगी। दैट्स इट। तो अभी मैंने आलू को काट तो लिया है, तो चलिए अभी इन्हें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अब मैं हीटर ऑन करूँगी, सबसे लो फ्लेम पे रखूँगी, और अब इसमें तेल ऑयल ऐड करूँगी मैं, तकरीबन एक बड़ा चम्मच। और अब हमें करना होगा वेट जब तक हमारा ये ऑयल अच्छे से हीट नहीं हो जाता, अच्छे से गर्म नहीं हो जाता, तब तक मैं सारे मसाले निकाल देती हूँ। सो गाइस अब ये रहे सारे मसाले, तो मम्मी ने जो जो बताया था तो मैं बस वही करने वाली हूँ। तो इसमें जाएगा जीरा, मस्टर्ड सीड्स, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, तो ये सभी मसाले जाएंगे इसमें। और एक और चीज़ है जो कि है नमक, और साथ में ये एक मसाला है जो मम्मी ने कहा है, आई एम नॉट श्योर कि कौन सा, पर एक काइंड ऑफ मिक्सचर जो सभी सूखे हुए मसाले रहते ना, ये कुछ उनका मिक्सचर है, तो ये भी जाएगा। तो तेल अभी गर्म नहीं हुआ, मैं फिलहाल अब फ्लेम को बढ़ा लेती हूँ ताकि तेल अच्छे से गर्म हो जाए। और अब तेल गर्म होने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि अभी इसमें सभी मसाले कितने कितने जाएंगे। सबसे पहले जाएंगे मस्टर्ड सीड्स, हाफ से थोड़ा कम, और उसके बाद जाएगा जीरा, जीरा ज़्यादा डालेंगे, हाफ स्पून, हाफ टी स्पून जितना। तो ये सभी मेजरमेंट एक आलू के लिए है, तो तकरीबन इतना जीरा काफी है। अभी एक और चीज बाकी है, मैं बस वो लेके आती हूँ गाइस 2 मिनट में। तो अभी हमें बस चाहिए थे कुछ करी लीव्स, 2 से 3 करी लीव्स, ज्यादा नहीं। तो इसे अच्छे से जरा तड़का टाइप होने देंगे, और जैसे चम्मच ले लूँगी अच्छे से मिक्स करने के लिए। अभी से अभी फ्लेम को एकदम लो कर देती हूँ। हल्दी आधे आधा से थोड़ा कम, और अभी तुरंत हमें इसे मिलाना होगा वरना हमारे सभी मसाले जो है ना वो जल जाएंगे। अब इसे अच्छे से मिला रही हूँ मैं, तभी कुछ इसका इनका हो गया। तो अभी एक और इम्पोर्टेंट हो गया, मैं बस वो लेके आती हूँ, इधर ही है। काफी ज्यादा धुआं आएगा, फिर इससे आपके क्या होगा, आपके मसाले जो है ना वो जलेंगे। और अभी मैं इसमें ऐड करूंगी नमक, नमक तकरीबन 3 पिंच जितना ऐड करना है, नॉट इवन हाफ स्पून। और बस अभी इसे मिला लेना है।
तो अब ये मम्मी ने जो मुझे मसाला बताया था, तो अब ये वो है। ये भी नमक जितना ही डालेंगे, उससे भी कम, बस 2 पिंच जितना। और अब ये भी अच्छे से मिला लेती हूँ मैं। तो अभी सब कुछ अच्छे से रेडी है, तो फिर अब मैं क्या करूँगी, इसमें मेरे इन सभी आलू को ऐड कर दूँगी। तो ये आलू एक्चुअली पहले बॉईल किए हुए हैं, तो इसलिए भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकने में। पर अभी आपको इस टाइप से अच्छे से मिक्स करना है, लाइक हर एक आलू पे अच्छे से हमारा सारा जो मसाला है वो कोट हो जाना चाहिए। मैंने आलू के थोड़े बड़े पीसेस रखे हैं, क्योंकि मुझे ऐसे ही ज़रा चंकी सा पसंद है। आप तो एकदम छोटी छोटी भी कर सकते हो, आप स्लाइस डाइस भी कर सकते हो। तो ये एक्चुअली हाफ बॉइल्ड है, तो अभी हम इसे थोड़ा पकाएंगे, और क्योंकि वो आधे पहले ही पक चुके हैं। तो देखिए गाइस, अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो मैं बस अब इसमें और 2 चम्मच जितना पानी डाल दूंगी, ताकि ये अच्छे से पक जाएगा। 2 से 3 चम्मच जितना पानी और नहीं। तो अब ये पानी बस इसे अच्छे से पकने के लिए ऐड कर दूंगा। दैट्स इट। अभी बस इसे ढक के हमें पकने देना है। तो अब ये रहा मेरा ढक्कन, तो मैं ढक के इसे कंप्लीट एटलीस्ट 2 से 3 मिनट तक पकने दूंगी। चाहे तो बीच में थोड़ा चला भी सकते हैं आप, वरना ऐसे ही रहने दे सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा फ्लेम एकदम लो रखिएगा, वरना वो नीचे से सारे जल जाएंगे। 2 से 3 मिनट तक अब इसे पकने देंगे, तब तक मैं सब कुछ अच्छे से अरेंज कर देती हूँ। तो गाइस, अभी ये लाइक अच्छे से मैंने इन्हें 2 मिनट तक पकने दिया है। तो अभी हम एक खोल के इधर से चेक करेंगे। तो अभी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो मैं बस अभी काम करती हूँ, एक आलू को निकाल कर अब मैं चेक करूँगी कि वो पका है या नहीं। और टेस्ट कर लूँगी कि क्या कम ज़्यादा है करके। तब तक मैं इसे फिर और पकने दूंगी, क्योंकि ढक्कन का जो एक्सेस पानी रहता है वो भी थोड़ा इसमें गिर जाता है। तो जब तक आपको सारा पानी इवेपरेट ना हो जाता है, मैं इसे थोड़ी देर पकने देती हूँ। तब तक मैं आलू को भी टेस्ट करती हूँ। तो आलू कम्प्लीटली सॉफ्ट है, अंदर से एकदम मॉइस्ट हो गया है। तब इसे टेस्ट करके देखती हूँ और फिर अब बताती हूँ कि इसमें क्या कमी है। एकदम परफेक्ट है। बस इसमें तकरीबन 2 पिंच जितना नमक कम है, 1 से 2 पिंच जितना। तो बस एक छोटा पिंच अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर दूंगी एक्स्ट्रा, क्योंकि यूजुअली मुझे तो ज़्यादा सॉल्ट ही पसंद है, इसलिए। अच्छे से पक भी गया है। सो अभी मेरे जीरा आलू तो एकदम तैयार है, पर बस कुछ कुछ बड़े पीसेस जो रह गए उनमें थोड़ी सी कसर है, एक बीच से थोड़ी सी कच्ची लग रहा है। तो मैं क्या करूँगी, आधा चम्मच पानी लेके इसके ऊपर डाल दूंगी, और अभी 1 मिनट के लिए अब हम इसे एक और बार पकने देंगे। तो 1 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस, अभी 1 मिनट हो गया, तो अभी मैं इसे एक और बार जरा चेक करती हूँ। तो अभी आलू एकदम सॉफ्ट हो गया है, इसका मतलब अभी ये परफेक्टली रेडी हो गया है। तो बस प्लास्टिक फ्लेम को बंद कर देती हूँ। और फिर भी अभी इसमें हीट है, तो अब मैं क्या करूँगी, जल्दी से एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट लेके आती हूँ। तो मोस्ट ऑफ ऑल तो लोग इसे अवॉइड कर दिया, पर मुझे लाइक मॉम ने मुझे बताया कि इसमें बस ऊपर से फिर थोड़ी सी एकदम 2 से 3 लाइक क्रिस्टल जितनी चीनी डाल देना, 2 से 3 दाने जितनी चीनी डालनी है हमें इसमें। और फिर
एक बार अच्छे से मिला लेंगे ताकि चीनी जो है वो हमें मेल्ट हो जाए इसकी हीट के साथ। सो गाइस मेरी आलू की जीरा आलू की सब्जी तो एकदम रेडी है। सो अगर आपको इसमें कुछ ज़्यादा कम ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें डाल सकते हो। और ये तो मेरे लिए तो एकदम परफेक्ट बनी है। आपको कौन सी डिश सबसे ज़्यादा इजी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे मेरी जीरा आलू की सब्जी मोस्ट सिंपल लगी है। और अब मम्मी ने कहा था कि आप लाइक मैं इसमें थोड़ा सा 1 से 2 पिंच जितना हींग भी ऐड कर सकती हूँ, तो मैं तो एक्चुअली भूल गई, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ऐड करूँगी। आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है और वो डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी जीरा आलू की डिश कैसी लगी, और आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा ये कैसी बनी थी। और साथ ही साथ आपकी जो मोस्ट सिंपल डिश है आपके लिए बनाने के लिए घर में वो भी मुझे बताइएगा। तो चलिए अब मैं इसे ना थोड़ी जब तक मम्मी आती है इसे ढक के छोड़ देती हूँ ताकि अब ये गर्म ही रहेगा।